तो भगवान ने नारद मुनि जी ने जाके ध्रुवा समुनि को पूछा है, क्या आपको पता है भगवान कृष्ण यहां लीला कर रहे हैं? कहां रह गए ध्रुवा समुनि? वास्तव में उनकी कुटिया जो है मथुरा में ही है, वो हमेशा ज्यादातर किसी भी युग में मथुरा में ही रहता है। उनका मेन निवास स्थान हेडक्वार्टर दुर्वासा मंदिर मथुरा के यहाँ वृंदावन में भगवान आज का मिला कर अच्छा आपको उनके दर्शनों के लिए जाना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना कि भगवान की प्राप्ति के लिए भक्तों को राधा रानी के थ्रू जाना पड़ता है। तो भगवान के पास सीधे नहीं चले जाना, पहले राधा रानी के पास, फिर अगर वो चाहेंगी तो आप भगवान को दर्शन होंगे। दुर्वासा मुनि गए बरसाने और अभी वो बरसाने पहुंचे नहीं थे के रास्ते में योग माया को पता चल गया कि ये नारद मुनि के भेजे हुए यहाँ लीला में खदर डालने के लिए आ रहे हैं। इसी तरह से रोको उनके ऊपर भूत का भूत चढ़ा दिया, भूत का भूत बहुत जोर से भूख लगी दोबारा समय। अब उस समय ऐसा था कि सब लोग लंच बना के खा के अपना चूल्हा लेप के खत्म कर दिया, लोगों के घरों में फ्रिज नहीं थे, लेफ्ट ओवर लंच डिनर के लिए या कंट्री में रखा गया। अब उनको बहुत जोर से भूख लगी है तो जो रास्ते में छोटे मोटे बच्चे खेलते हुए मिले उनको उन्होंने कहा जाओ अपने घर भोजन लेके आओ, हमारे लिए बहुत भूख लगी है। बाबा हमारे घर में इस समय भोजन नहीं है, दोपहर का भोजन हम कर चुके हैं और शाम के भोजन का भी टाइम नहीं हुआ। अच्छा आप दोबारा नहीं तुम्हारा सारा गांव उलट पलट कर दूंगा मैं। बच्चे घबरा गए भागे तो बड़ी लड़कियों के पास अपनी बड़ी बहनों को कि किसी तरह से बचाओ कि हम क्या करेंगे, हमारे तो राधा रानी है, उनसे जाके उसके राधा रानी को ढूंढा दिया। कैसे ऐसे समस्या आज बढ़ी है, दुर्वासा मुनि हमारे सारे गांव को उलट पलट करने वाले हैं, कि क्या खाली भोजन ही चाहिए ना, कि हाँ तो दे दो भोजन, के भोजन नहीं है किसी घर में तुम्हें पता नहीं, सब दोपहर का भोजन कर चुके हैं, शाम के भोजन का भी टाइम नहीं हुआ, किसी घर में भोजन नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, भोजन नहीं है तो राधा रानी कहती है ब्रज की रज तो है ना, ले आओ मेरे पास। तो एक टोकरा भर के ब्रज की रज ली, उसको पानी में धोला और उसकी बर्फी, उसके लड्डू, उसकी कचौड़ी और दुनिया भर की चीज ब्रज की रज की बना ली। जा आगे ले जाके दे दो दुर्वासा, लेकिन वो तो राधा रानी के नाम की बनी हुई। दुर्वासा मुनि ने वो लड्डू और कचौड़ी जब टेस्ट करे तो इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी खाया तो दूर, सोचा भी नहीं इतना स्वादिष्ट भी कुछ हो सकता है, किसने बनाया ये भोजन। वो जो सब तारीफ करी थी वो तो अंदर
उन्होंने गुस्से में पूछा, किसने बनाया है भोजन? हाँ मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, सबने अपने हाथ खड़े कर, किसने बनाया, लेके आओ उसको। राजा को बहुत बुलाया, किसने बनाया? तो लगे राजा रानी को आशीर्वाद के हरे कृष्णा। तो आज के इस राधा दत्तम कथा के हमारे आज के विशेष अतिथि दैनिक सवेरा के मालिक शीतल भी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस कॉल उद्याना धन्यवाद है कि भी जी ने अपना कीमती समय निकालकर हमें कृतार्थ किया। तो मैं निवेदन करूंगा हिज ग्रेस अनुरोध प्रभु कि वो माला अर्पण कर प्रभु जी को भगवान का कृपा प्रसाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो बहुत ही हमें सहयोग है दैनिक सवेरा का, शीतल पी जी का, हमारे नए मंदिर में बहुत सहयोग कर रहे हैं, इस मंदिर के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत ही सहयोग हमसे बीजी से हमें मिल रहा है। नीरज मेहरा जी भी उनके साथ आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, पूरी टीम का स्वागत है। चलो